सन टीवी का पॉपुलर शो संतोषी माँ को आज 100 एपिसोड्स पूरे हुए हैं। जी हाँ, इसी खुशी में सेट पर सेलिब्रेट किया, वो भी केक काट के। इस मौके पर उपासना और रतन ने ढेर सारी बातें भी की और इस शो के बारे में भी कहा। तो आइए सुनते हैं उपासना और रतन से। मतलब बड़ा अच्छा लगता है लोगों को डेली रात को किसी भी हाल में, मतलब आज दिवाली हो चाहे वो दशहरा हो, उनको बस रात को 9 बजे टीवी खोलना है और संतोषी माँ देखना है। करेक्ट। या तो कभी नहीं भी देखते, अपने काम में मशरूफ हो जाते हैं, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हमें दुनिया में चाहे कोई भी काम हो, अच्छा बुरा हो, वक्त हो या कोई बीमार है या किसी की शादी है या खुद की तबीयत ख़राब है, वो सब छोड़ छाड़ के 2.5 घंटे ट्रैफिक में आना, 12 घंटे शूट करना और 2.5 घंटे फिर वापस, कभी कभी 3 घंटे, मतलब हमने ज़िंदगी त्याग दिया है, हमने ज़िंदगी त्याग दिया है, हमने समर्पित कर दिया है। अगर आपको हमारा शो वाकई बहुत पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे लिए और भी दुआएं करिए और इतनी दुआएं करें कि हमें बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट मिले। नहीं, मजाक करें, पर दुआएं करें कि शो हमारा 7 साल चले, 7 साल के ज़्यादा चले, नहीं 7 साल काफ़ी हो गए, मुझे और भी लाइफ में बहुत कुछ करना है। 7 साल चले, 7 साल चले और ऐसे ही बस हमारे साथ बने रहिए और इतना समझ लीजिए कि हम बहुत मेहनत करते हैं आपको मतलब एंटरटेन करने के लिए, आपके मनोरंजन, आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। हम लोग एक दूसरे को झेलते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं और हर रोज शूट। मेरा तो डबल मेहनत होता है, एक तो आपको भी एंटरटेन करता हूं, सेट पे इसको भी एंटरटेन करना पड़ता है, तो मतलब आप समझ रहे हैं ना, इसके तो पर डे भी नहीं मिलते मुझे। चलिए फिर जाते जाते, इतना सारा मैसेज तो दे दिया, इतना सारा मैसेज दे दिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जैसे आप लोगों ने हमारे शो को लाइक किया है, पसंद किया है, ऐसे ही करते रहिए और देखते रहिए और कोई शो मत देखिए जब हमारा शो आता है 9 बजे सिर्फ संतोषी माँ। कैसी लगी आपको स्टोरी? और टीवी जगत की अन्य चटपटी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टीवी प्राइम टाइम हिंदी।